बैरिंग टूटने के कारण यह हादसा हुआ रोड पे, और ट्रंक के जो टायर वगैरह देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जो है टायर वगैरह यहाँ पर फैल हो चुके हैं। और आसपास के काफ़ी रायगर मौजूद है तो इनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, आसपास के दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है। और भाई को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ड्राइवर बिल्कुल सेफ है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब जो आप यहाँ से आसपास रहते हो क्या? नहीं भाई साहब। अच्छा, गाड़ी के मालिक हो। चलो ठीक है भाई साहब, ड्राइवर आपका सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। घटना तो अंधेरा है, ठीक है। तो भाई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ड्राइवर भी बिल्कुल सुरक्षित है। और जो ये घटना है जो मशीनरी फेलियर की वजह से हुई है, जो टायर वगैरह देख सकते हैं काफ़ी जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं, और जो इसके अंदर सामान था जो सफेदी वगैरह का सामान था, और देख सकते हैं भाई नुकसान सिर्फ गाड़ी को हुआ है और इसके चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तो ये सब कुछ सुरक्षित है। तो ये चीज़ें तस्वीरें आप देख सकते हैं। बने रहिएगा आज 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। और सेठ जी भी मेरे साथ मौजूद है, सेठ जी ने जो है बिल्कुल, सेठ जी यहाँ पे कोई सी घबराने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सुरक्षित है। फिर यही कहना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 9 पर चलते समय आप जो है सावधानी जरूर बरतें और अपनी गाड़ी का जो है चेकअप कराते रहें ताकि ऐसी घटना ना हो। फिर एक बात और सेठ जी पूछ लियो, थोड़ा ड्राइवर साहब आपने पूछ लियो, तो जो करिए आपका बैरिंग टूट गया तो गाड़ी का चेकअप आप मतलब करवाया को नहीं? चेकअप तो कराते रहते हैं, वो ये पता थोड़ी चलता है गाड़ी कब क्या हो जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ जंपिंग है, इसमें जंपिंग, जंपिंग है, रोड में जंपिंग है, इसकी वजह से ज्यादा हो गया। चलो तो यह बात आप मेरे को पहले बताते, तो देख सकते हैं भाई नेशनल हाईवे 9 पर अब वो गाड़ी आएगी, हाँ। वो गाड़ी देखना जंप लेगी, वो देख सकते हैं भाई यहाँ पर थोड़ी सी जंपिंग है रोड के अंदर, तो ये जाके देखे आप भैया, बहुत गलत बात है भाई। टोल वाले टोल ले ले, लेकिन जो जंपिंग वगैरह होती है ठीक नहीं करते। एक जंपिंग का ही यहाँ पर नमूना देखा जा सकता है, वहाँ से ट्रंक आ रहा था बिल्कुल चलते हुए, और ये बलेरो देख सकते हैं भाई, इस जंपिंग की वजह से जो है जो बलेरो भी ऐसे हुई ना, देख सकते हैं भाई स्लो के अंदर भी जंपिंग देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा जो ट्रंक के अंदर जो है इसी कारण जो बैरिंग को नुकसान हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने, तो जंपिंग के कारण भाई रोड वालों ने कमी छोड़ रखी है, कहीं पर जंपिंग छोड़ रखी है। साफ साफ कहना चाहूँगा कि भाई टोल वाले पैसे लेते हैं भाई, मुट्ठा भर के बैग भर के पैसे ले जाए हर रोज सामने, लेकिन ये जंपिंग वगैरह ठीक नहीं कर सके ताकि हादसे कम हो सके। और कई जगह तो भाई खड्डे भी देखने को मिलते हैं रोडों पर, भाई पता है मेरे को कई जगह तो खड्डे भी देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से हादसे होते हैं। और एक यही है जो लाइव में तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि जंपिंग वजह से हुआ है ड्राइवर को, लेकिन यथार्थ जो आखिर नुकसान ज़्यादा हो जाता तो भाई इसका जिम्मेवार कौन होता? सरकार जिम्मेवार होती या नेशनल हाईवे वाले होते? ये तो हमारे जो है दर्शक ही कमेंट करके बताएंगे। लेकिन जो यह हादसा हुआ है जंपिंग की वजह से हुआ है, जिसके कारण ये आप जो है लाइव तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। तो हाँ सेठ जी, कुछ और कहना चाहोगे? बस जी धन्यवाद। चलो सेठ जी कोई बात नहीं, आपका ड्राइवर ठीक है, बस यही चाहिए, माल पानी हो जाएगा नुकसान पूरा। तो ठीक है भाई, जो नुकसान हुआ थोड़ा बहुत लेकिन पूरा हो जाएगा। आप बने रहिएगा आज 24 न्यूज़ के साथ, और ऐसे रोड बनाने वाले लोगों को क्या कहेंगे कमेंट करें। जय हिंद साथियों।